अन्नू मुझे पैपी प्लीज। ओ ओ ओ तो हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग एंड सबसे पहले गाइस ईद मुबारक टू एवरीवन हु इज वाचिंग माय व्लॉग एंड हु इज नॉट। और आज है ईद एंड अभी सफाई वफाई हो रही है और शीर और वो बन रहा है दही फुल्की एंड अरहान हो चुका है रेडी। एंड गाइस मैंने मेहंदी भी लगा ली थी कल रात और मैंने व्लॉग शूट किया था और अरहान जा रहा है दादा के पास ईदी लेने। और ये रहा हमारा अरहान। अरहान बुला दिए ये है अरहान का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट लुक। मैंने बोला था ना गाइस अरहान ब्लैक एंड व्हाइट पहनने वाला है। हमने ये दिखाए भी थे व्लॉग में कपड़े अरहान के। अरहान छपरी बन चुका है। चेन भी लाया था अरहान। और गाइस अरहान की गोल्ड की हमने ना तो ये चेन दिखाई थी और ना ही हमने इसकी रिंग दिखाई थी। और गाइज अम्मी बना रही हैं दही फुल्की और इसके पकौड़े बना रही हैं अभी अम्मी। और ये रही शीर क्या ये शीर है खीर है फैनी। अच्छा फैनी बनाई अम्मी ने। और अम्मी ने चाय भी बना ली है आज बहुत दिनों बहुत चाय पीस भी खाया हमने चाय बना ली। पहली बार ईद पर हमारे घर में चाय बनी है। एंड अभी ना भी गई हुई है डैडी के साथ दादी घर पर। गाइज अभी मुझे भी रेडी होना है तो फिर सबसे पहले मैं नहा कर आऊंगी और फिर कपड़े दिखाऊंगी और कपड़े पहनूंगी। ये आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर ब्लैक। सो गाइज अभी मैं तो नहा के आ चुकी हूँ एंड एज यू कैन सी मैंने अभी बाल भी अपने सजा लिए हैं और मतलब सब कुछ हो गया है। बस अब तैयार होना बाकी है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और एंड हमारी अनाविया हो चुकी है तैयार। ये है अनाविया का आउटफिट। एंड गाइज हमने अनाविया को व्हाइट वाले कपड़े भी डाल लिए जो हमने पूछे थे अनु वाह। और गाइस अनाविया को मैंने और इकरा ने ईदी भी दे दी 10-10 रुपए। अनु का ये छोटा सा पर्स अनु लो पैपी अनु पैपी ईदी अनु लाओ मुझे दे दो अनु मुझे ईदी मैं ईदी ले लूँ तुम्हारी ईदी ले लूँ तुम्हारी अभी दे नहीं रही थी अब दे रही है मैं ले रही हूँ तुम्हारी ईदी। मुझे लाओ पैपी ला मैं ले रही हूँ मैं मुझे पैपी अनु मुझे पैपी प्लीज। ओ ओ ओ गिलने जा रही हो तुम तो हम ना बोल रहे ला मैं पैपी पैपी नहीं पैपी प्लीज प्लीज अनु पैपी दे दो। अभी मैंने अपना पहन लिया है नायरागढ़ क्योंकि अम्मी चुटिया बांध रही है। अम्मी ने बोला कि अगर बाद में पहनेगी चुटिया बांधने के बाद तो वो बाल खराब हो जाएंगे। और अभी अम्मी बांध रही है चुटिया मेरी ऐसी गंदी। और अम्मी अभी मैं पानी दिखाऊंगी जहाँ से अम्मी ने चुटिया बांधी है अभी। और बहुत ही अच्छी चुटिया है जो मैंने देखी है बहुत दिनों बाद मैं बनवा रही हूँ। और आप लोग बता रहे मेरा नायरागढ़ कैसा है और मैंने अभी इसकी पजामी नहीं पहनी है। ओ वाओ अन्नू का चश्मा वेरी नाइस। और मेरा आउटफिट देख सकते हो एंड मेरा मेकअप भी देख सकते हो मेरी ज्वेलरी भी देख सकते हो मेरे मेरे क्या कहते हैं बैंगल्स भी देख सकते हो और नेकलेस भी देख सकते हो और आउटफिट भी देख सकते हो। गाइज ये रही इकरा अम्मी अनावी का पर्स का है। ये रहे गाइस अनावी का छोटा सा पर्स अन्नू के पेपे अभी मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले पेपे अन्नू के। वाह हमारी अम्मी जो है ना वो रेडी नहीं हुई है देख सकते हो आप लोग। बस वही कल वाले कपड़े पहन रखे हैं अम्मी ने अभी तक। और एक ये रही। और गाइस अरहान बाहर गया है अपने दोस्तों के साथ मेले में। एंड गाइस अभी हम लोग बाहर गए थे मेले में बट मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा बाहर जाते हुए क्योंकि हम ना बिना फ़ोन के चले गए थे भूल गई मैं फ़ोन घर पर ही। और अम्मी ने अभी बनाई है दही फुल्की और शीर रखी है किचन में। एंड ये नन्नी गुड़ी ना भैया नहीं 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 हाय करियो बाय कर दो हाय कर दो। एंड गाइस वो चादर बिगड़ी हुई है।
देगी हमें ईदी, देखता है एकरा कितनी ईदी देगी भाई, थोड़ी उसमें देके दे देना बड़े, हाँ बड़ी बहन होने के नाते, हाँ तो दो तो नहीं दो। सो गाइस हमें मिल चुकी है 20 रुपए ईदी और इसने 30 रुपए देने का वादा करा था, 10 रुपए पक्का। दादा ने 300 से दिए थे, अरहान को 400 दिए थे, पोपट बना दिया, पोपट हमारा पोपट हो जाता है हमेशा। और अभी तक हमें अम्मी ने भी दिए हैं पैसे, कितने और एक्स्ट्रा 100 रुपए ले गया, 4 रुपए अम्मी तुम दो, हमारे तो दो अम्मी तुम 20 रुपए देने के लिए 10 रुपए दो वापस, 10 रुपए देने हैं बाद में। सो गाइस ईदी लेने के बाद हम चले गए थे घूमने विद आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ऐसे कि देख सकते हो आप लोग हम 8 लोग थे शायद, 8 या 7 लोग होंगे हम, और हम सब गए थे घूमने क्योंकि हमारे यहाँ पर ही हमारे साइड मेला लगा था बहुत ही अच्छा, जो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मेले थे, बहुत बड़े बड़े, जो जिस मतलब हमारे लायक हम इतने बड़े बड़े लोग हैं तो हमारे लायक वहाँ पे मेले थे। As you can see, वहाँ पर कोल्ड कॉफी पी, कोल्ड कॉफी एंड मैंगो शेक पिया था हमने, और बाकी सबने हमें नहीं पता क्या पिया। और देख सकते हो अभी हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं पार्क में, पार्क में बहुत मजा आया था। ये रही इकरा, अरहान यहाँ पे आगे खेल रहा है, अरहान के दोस्त भी थे मतलब अरहान के फ्रेंड्स बहुत सारे, अरहान उनके साथ खेल रहा था और हम अपने रिलेटिव्स के साथ फोटो वोटो ले रहे थे, बहुत मजे कर रहे थे। हमने आप लोग पीछे देखे होंगे, आप लोगों ने फोटो को बताया था बाहर गई फोटो थी। सो गाइस हम लोग मेले में पहुंच चुके थे, बट ये आपको जो क्लिप दिख रही है ब्लर हो गई थी क्योंकि फोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो इतने बड़े बड़े झूले हैं, और गाइस ये है कभी ना जीतने वाला गेम, मैं आपको बता रही हूँ इस गेम को कभी मत खेलना आप लोग। सो गाइस इकरा और मैंने इस झूले पर राइड की थी एंड हमने बहुत ही मजा आया, इतना बड़ा था ये और इतना मजा आया हमें, इतने चीख रहे थे सब लोग और बहुत डर भी लग रहा था इसमें, लेकिन मजा भी बहुत आया था ये इस झूले को झूलने के लिए। और गाइस इतना मजा आया था, मैं अगर आप लोगों को ये कभी दिखे ना तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना क्योंकि बहुत ही डर वाला है और बहुत ही मजा आया। सो गाइस आज व्लॉग में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लेकर हम लोग बाय। एंड गाइस आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा टेल मी इन कमेंट्स, और बहुत ही मजा आया हमें इस पर, और ये व्लॉग इसलिए लेट हो गया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फोन में ही, तो ये लैपटॉप में नहीं जा सका पूरी क्लिप्स जो भी मैंने बनाई थी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो गई व्लॉग डालने में अपलोड करने में। और आप लोगों को ये व्लॉग बहुत दिनों बाद मिलेगा ईद के, सो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। एंड अभी तो वैसे ये व्लॉग हो चुका है एडिट हमारा, और गाइस ये व्लॉग इसलिए छोटा है क्योंकि मैं ज़्यादा शूट ही कर पाई, मैंने फुल इन्जॉय कराई ईद पर, बहुत ही मज़े करे हम लोगों ने, हम लोग घूमने गए एंड मतलब मेले में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमने वहाँ पे ज़्यादातर खाया पिया और खेले घूमे, बहुत ही मज़े करे थे अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ। तो गाइस इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।